आई गेस बहुत से लोग जानना चाहते थे कि फातिमा चट्टा क्या है तो इन्होंने काफी डीप सवाल मुझसे किए हैं यू वाचिंग। बाय अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फातिमा चट्टा है और मैं काम कर रही हूँ एज एंकर पर्सन मोटिवेशन स्पीकर होस्ट एंड आर्टिस्ट कमर्शियल शूट्स भी कर लेती हूँ और मैं आपको पहले अपना बैकग्राउंड बता दूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने अपनी स्कूलिंग कुछ वाला बोर्ड से की थी और देन मैंने लाहौर मूव किया 2008 में 2008 थाउजेंड एट टू ट्वेल्व मेरा सेशन था एफ सी कॉलेज में मेरा बी एस ऑनर्स इन बायोलॉजिकल साइंसेस एंड मैस कम्युनिकेशन था देन मैंने अपना एम फिल किया मैस कम्युनिकेशन में और देन मैंने अपना अगर वर्किंग करियर के बारे में बात करूँ तो मैंने सबसे पहले जो मेरी जॉब थी वो एच कॉलेज में सेलेक्ट हुई थी और उसके बाद मैं मूव कर गई थी एक आर्मी स्कूल में एज ए रिसर्च ऑफिसर आर्मी स्कूल में एज अ रिसर्च ऑफ़िसर गई थी थोड़ी देर से बाद जैसे मैंने सुपीरियर कॉलेज ज्वाइन किया था एज अ वाइस प्रिंसिपल डीन ऑफ स्टूडेंट देन मेरी पिंडी भटिया में पोस्टिंग हुई एज अ लेक्चरार बायोलॉजी मैंने वहाँ पर एक साल पढ़ाई उसके बाद क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा टफ टू लिविंग था तो मैं वापस लाहौर मूव कर गई तो लाहौर में मेरा गर्ल्स हॉस्टल का सेटअप था जो कि मैंने एक साल चलाया था 65 फाइव गर्ल्स थे मेरे पास और सारे ब्यूरोक्रेट्स और एक अच्छे बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक था वो मुझे सेटअप बंद करना पड़ा क्योंकि मैं सी एस एस करने लगे सी जब मैंने प्रिपेय किया उसके बाद अटैम्प नहीं कर सकी थी बिकॉज चार सदा यूनिवर्सिटी का अटैक हुआ था तो फैमिली ने लौनी तक किया पिशावर सेंटर होने की वजह से देन मैंने फिर उसको कंटिन्यू ओबली दोबारा अटैप्ट करना या वापस उससे एक रूम में जाके बैठना थोड़ा मुश्किल था उसके बाद मैंने जॉइन कर लिया एज अ सीनियर ब्रांड मैनेजर हाउसिंग सोसाइटी को जिसमें चार सोसाइटीज़ की ब्रांडिंग को मैं हेड कर रही थी उसके बाद जब मैंने वो काम किया प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो गया देन आई वॉज लाइक अब मुझे क्या करना है तो ऐसे घर में बैठे बात हुई अब क्या करना है तो फैमिली ने कहा तुमने मेस कम्युनिकेशन किया हुआ तो okay, है एम फिल किया हुआ है तो वाई डोंट यू जॉइन मीडिया एंड कॉके ठीक है चलिए मीडिया ज्वाइन कर लेते हैं मैं वापस मीडिया में आ गई और वो मेरा पहला कदम था मीडिया में बेंग प्रोफेशनल आना वैसे मीडिया को ज्वाइन मैंने 2008 से किया हुआ था लेकिन बैक एंड पे डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाना अच्छा मीडिया को ज्वाइन मैंने काफ़ी देर से किया हुआ था लेकिन बैक एंड पे था उसमें ये चीज़ें थी एज ए गेस्ट अपेरेंस डिफरेंट शोज़ में करनी थी लेकिन उसके बाद बेंग प्रोफेशनल एंकर पर्सन फ़ॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने मीडिया ज्वाइन किया सिटी 42 के साथ सिटी 41 पे मेरा पहला बुलेटन था सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ mm. वहाँ पे मैंने उर्दू सीखी उससे पहले मुझे उर्दू बोलनी बिल्कुल नहीं थी आती जितनी अभी आप सुन रहे हैं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं था आता और उसके बाद सिटी न्यूज़ नेटवर्क में मैंने एक डेढ़ साल काम किया बहुत अच्छा टनियोला बहुत कुछ सीखा अपने सीनियर से हमीद नक, नकीबी साहब से बहुत कुछ सीखा और अगर कहें तो हम लोगों ने किताबों में जो पढ़ा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं होता hmm. तो जो आप सीखते हो वो जो आपके टीचर्स और आपका इन्वायरमेंट होता है वो आपको सिखाता है और उसके और सबसे बड़ी बात बींग एंकर आपके लिए आपके प्रोड्यूसर का कॉपरेट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपका प्रोड्यूसर कॉपरेटिव hmm. है तो देन ऑबियसली यू कैन वर्क रियली गुड प्रोड्यूसर और एंकर का एक बहुत गहरा रिश्ता होता है उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है हर्डस मेरा ख्याल है मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल यही था एक तो आ, मुझे उर्दू नहीं थी आती इतनी फ्लुएंसी में जो कि अब मैं उर्दू बोल सकती हूँ अब उर्दू पढ़ सकती हूँ पहले उर्दू का कोई बोर्ड आता था साइन बोर्ड तो हम उर्दू की बजाय कोशिश करते थे कहीं इंग्लिश बोर्ड साइन बोर्ड दिखाई दे जाए तो हम इंग्लिश को पढ़ते थे रेदर देन उर्दू लेकिन अब क्या होता है अब हमारी कोशिश होती है अच्छा इंग्लिश नहीं भी है तो उर्दू हमें जितनी भी स्क्रिप्ट दे दो अब हम पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना वो एक आदत नहीं थी जो कि बन गई आदत सी एस एस में थी लेकिन ब्रांडिंग के में वो सारी आदतें थोड़ी किताब को ना पढ़ना वो सब चीज़ें थोड़ी पीछे रह गई थी लेकिन वापस वो ही सब सीखा न्यूज़पेपर रीडिंग बुक रीडिंग मीडिया के बारे में एक बहुत ही आम परसेप्शन है वो ये है कि मीडिया के लोग बड़े ख़राब होते हैं मीडिया में बहुत करप्शन है मीडिया में बहुत बुराई पाई जाती है जबकि मैंने लेक्चर एज अ लेक्चरार जब काम किया जब मैंने एज अ डीन ऑफ स्टूडेंट काम किया जब मैंने वाइस प्रिंसिपल काम किया मैंने उससे ज़्यादा करप्शन ट्रस्ट में बिल्कुल मीडिया में नहीं पाई मीडिया में एक टोटल डिफरेंट एनवायरमेंट आप आप सिक्योर होते हो आप जब बीइंग एंकर पर्सन आप किसी मर्द को मिलते हो तो वो आपको रिस्पेक्ट करता है लेकिन जब आप उससे मिलते थे तो उस उस फील्ड में टीचिंग फील्ड में या आप किसी भी स्कूल को देखो किसी भी और इदारे को देखो तो वहाँ पर हरेसमेंट बहुत ज़्यादा है कदर मीडिया मीडिया से लोगों का एक वो एक डराव होता है कि कहीं कहीं मेरे लिए कल को मसला ना बन जाए बीइंग मीडिया पर्सन मैंने बहुत रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल पाया इस चीज़ में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जिंदगी में मैंने कभी भी बुरा मर्द नहीं पाया मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताऊं तो आई ऑलवेज़ फाइंड मेन अमेजिंग रियली गुड फ्रेंड्स मैं अगर पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने खातन से ज़्यादा मर्दों को अच्छा पाया खातन ने कहीं ना कहीं बैक एंड पे आपको डिफेम uh, किया आपके बारे में नेगेटिव र्यूमर्स की मे बी बिकॉज ऑफ जेलसी बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी क्लैश बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स बट मेल दे आर ऑलवेज स्पोर्टिव अगर आप अच्छे हो तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे कभी भी कोई इंसान बुरा नहीं होता आप उसको ख़ुद बुरा बनाते हो अगर मर्द है ना उसकी कभी ज़रूरत नहीं होगी ट्रस्ट में उसकी कभी ज़रूरत नहीं होगी किसी भी औरत को पहले छेड़ना या उसको उसका उसका हौसला आप खुद बढ़ाते हो आप उसको लिमिट जब डिफाइन कर देते हो ना कि तुम्हारी ये लिमिट है तो वो अपनी लिमिट्स में रहता है ये सारा आपका खुद का कसूर होता है जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बिना पे हाँ बीइंग एंकर पर्सन आपका एंकर्स के साथ कंपटीशन वो बहुत मुश्किल है बिकॉज़ जो एंकर्स आपके साथ कोलिग्स होते हैं वो फीमेल तो बिल्कुल ही आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते वो हमेशा आपके रूट्स कट करने पे होंगे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ हसद ना इंसान को कहीं भी नहीं पहुँचाता हसद करने वाले की जो मैद है ना वो बहुत कम है जो अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो तो कभी भी शॉर्टकट्स नहीं करो आप हमेशा मेहनत करो और अगर आप मेहनती हो तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो अगर मैंने अभी चैनल ज्वाइन नहीं किया और लेकिन एज अ मोटिवेशन स्पीकर और मेरे इवेंट्स हर महीने इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे वो मेरा मंथली इनकम मेरा सब कुछ बैलेंस हो जाता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लोग उसको किसी से जेलस हो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा अपनी ज़िंदगी में चलते रहो आपको अपना मकसद पता होना चाहिए ज़िंदगी गुजारने का क्या कि आपने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है आप सिर्फ अपने आप पर लगे रहो अगर मैं सच कहूँ तो मैं यहाँ तक बैठी हुई तो ये मेरी फैमिली की सपोर्ट है मैं कुछ भी नहीं मैं आज भी अगर मैं घर से थोड़ा लेट हो जाऊँ तो मुझे डा मुझे डांट का डर होता है कि यार अम्मी डांटेंगी मैं बहुत लेट होगी हूँ और इस वक्त भी मेरा फ़ोन बोल रहा हूँ मुझे डांट पढ़नी है रिश्तेदार मेरे वैसे बहुत सपोर्टिव हैं बिकॉज़ एवरीबडी इज़ क्वालिफाइड एवरीबडी इज़ वेल एजुकेटेड और पाकिस्तान में हैं पहले बहुत कम कैनेडा और अमेरिका में सेटल हैं तो मुझे मामू ने ही सपोर्ट किया था मुझे मामू ने ही मोटिवेट किया था कि आप जाओ इस फील्ड में आप अपने आप को ग्रो करो यू आर मेच्योर इनफ यू नो कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है मेल हर जगह होते है आप किसी भी फील्ड में जाओ मेल आपको मिलेंगे तो इट डज मीन कि आप मेल से डर के घर बैठ जाओ या मेल से डर के आप अपने बच्चों को घर बैठा दो उनको बल्कि आप इतना कॉन्फिडेंस दो कि वो उन लोगों के साथ जाके अपने आप को उन्हें पता है कि हमें आगे लेके कैसे चलना है ना कि आप उनको उनके दिमागों में डर बैठा दो कि नहीं नहीं कोई ऐसे हो जाएगा मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है मुझे बिल्कुल गॉसिप करने की आदत नहीं थी लेकिन मैंने इस फील्ड में आके गॉसिप सुनी बहुत है आ, मतलब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अच्छा ऐसे भी होता है जो मेकअप रूम से पता चला कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं बैक बाइटिंग जो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का अगर मीडिया फील्ड का एक ड्रॉबैक देखा जाए तो वो बैक बाइटिंग है लेकिन अगर उसमें मैं एक एडिशन करूँ तो जब मैं एज अ लेक्चरार काम करती थी मुझे याद है जब टीचर सुबह सुबह दो लेक्चर दे लेते थे पूरा दिन गॉसिप चलती थी तो आई गेस इट्स एवरीवेयर मेरा हाल है ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने ज़िंदगी में नहीं की और बिकॉज मैं आ, अपने आप को मेंटेन बहुत रखती हूँ या बहुत कैरी करती हूँ तो लोगों को अक्सर होता है कि नहीं नहीं, नहीं ये ऐसे ज़रूर होगी तो लोगों की जो परसेप्शन है वो कभी कभी आपको हर्ट कर दी है यार आपको किसी ने कुछ गलत करते देखा नहीं है लेकिन ये आप पे ब्लेम कर रहा है बिकॉज इसको आपका पता नहीं तो मैं हमेशा एक बात कहूँगी या अपने दोस्तों को भी कहती हूँ कि आप किसी को पर्सनली नहीं जानते तो उसके गेटअप से आप जज नहीं कर सकते मैंने ऐसी ख़वाी देखी हैं जो दिन में पता नहीं क्या क्या करती होंगी और यकीन करें पूरी रात उनकी इबादत में गुजरती है मैंने मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊँगी पाकिस्तान फैशन वीक जो था उस पर हम लोग थे और एक मॉडल रैम वॉक करके आई है नेकड थी उसकी जो ड्रेसिंग थी वो नूट थी आप देखे कहो या अल्लाह इसख फिर लेकिन जब वो बंदी रूम में आई है मॉडलिंग करके अपनी रैम्प करके तो उसने आके नमाज़ पढ़ी ईशा की नमाज का टाइम था, था उसने नमाज़ पढ़ी तो मैंने ना उसको थोड़ा हैरत से देखा कि अभी थोड़ी देर पहले बंदी के कपड़े भी नहीं थे और इधर आके वो नमाज़ पढ़ी है तो मैंने उससे फिर सवाल किया मुझे भी थोड़ी क्योरियसटी हुई कि यार ये क्या सेटअप है क्या मामला है तो उस बंदी ने मुझे कहा था वो मेरा प्रोफेशन था वो मेरा काम था ये मेरा धर्म है ये मेरा मज़हब है ये इस रिलीजन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है आप जहां पे भी आप अपने मज़हब को साथ लेके चलो तो लब ने भी कहा है दीन और दुनिया को साथ लेके चलो खूबसूरत लम्हा मेरे लिए तो वो था जब मैंने उर्दू सीखी और मेरा पहला बुलेटन था और प्रोड्यूसर्स मेरे फिंगर क्रॉस करके खड़े हुए थे कि आज चट्टा क्या करेगी तो बट आई डिड दैट हाँ मुझे घर से मार पड़ी थी एक दफ़ा वो बहुत मज़े का इंसिडेंट बताती हूँ हुआ।, हुआ क्या कि हमारे घर में हमें हमेशा दोस्तों के घर जाने की इजाज़त होती थी लेकिन बताए बिना नहीं तो हम लोग एक जगह से दूसरे एरिया में चले गए बिना बताए और जब घर आए तो फिर वो वाली पटाई हुई थी कि मैं आप तसवर तो भी नहीं कर सकते कि मेरी वो पटाई हुई होगी बहुत मार पड़ी थी बहुत मार पड़ी थी तो उस दिन से एक सीख सीखी थी कि, कि किसी शहर में अभी भी कहीं जाते हैं तो घर बताते हैं और उस बताने की वजह यह भी है कि आजकल अल्लाह माफ़ करे जो हादसा होते हैं आपको पता नहीं है घर वालों को पता होना चाहिए आप उनको लाइव लोकेशन शेयर करो आप उन्हें अपडेट रखो बिकॉज आपको नहीं पता कहाँ पे क्या हादसा हो ये वैसे जो आपने सवाल किया है बड़ा मुझे नजीबा सवाल है इसका जवाब मुझे देना तो नहीं चाहिए चले दे देती हूँ आपको पता है लड़की कोई भी लड़की है उसकी नर्व्स चलती है तो उसको लड़के अप्रोच करते हैं लेकिन फिर जब अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी सी शक्ल भी दे दी हो बेहतर और मतलब तो अल्लाह ताला ने आपको अच्छा बना दिया है आप ग्रूम भी आपने किया हुआ है खुद को आप कैरी भी कर सकते हो तो फिर आई गेस थोड़ी सी ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ऐसा नहीं कि ऑप्शनस नहीं होती डेली बेसिस पर अगर आप अपना इनबॉक्स खोलो तो काफ़ी ऑप्शनस आई होती हैं मुझे आपसे शादी करनी है आप ही वो जिसके बारे में मैं सोचता था, था और बड़े बड़े मज़े के लोगों के जवाब होते हैं और इससे सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कुछ आ, चीज़ें जो मैं बड़ी लाइक मुझे हंसी भी आती है और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब मैं नमाज़ पढ़ी होती तो कभी बहुत ऐसा नहीं कि मैं डेली पिक्चर लगाऊँ कभी लगा देती हूँ तो उस पर सोशल मीडिया पे लगाने की वजह यह होती है कि उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप शो ऑफ कर रहे हो उसका मकसद सबसे बड़ा सबसे इम्पॉटेंट ये है कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो जब देखते हैं कि अच्छा यार ये बंदा इतना फैशन करता है ये लाइफ इसकी इतनी ग्लैमरस है तो उसको पता होना चाहिए कि वो रब को भी साथ लेके चल रहा है तो अगर आपका रब आपके साथ नहीं है ना तो आप कुछ नहीं हो ट्रस्ट में आप कुछ नहीं हो आपका रब और आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब लोग आपको ये मैसेज कर रहे होते हैं ना कि आप इस फील्ड की वाहिद एंकर हो जिसकी हम पोस्ट कभी देख ले जो नमाज पढ़ती है बड़ा अच्छा लगता है वरना इस फील्ड में ऐसे लोग नहीं है फेस टू फेस प्रपोज काफ़ी लोगों ने किया है बड़े बड़े ड्रामेटिक वे में किया है तो मेरा एक ही जवाब होता था मैं बचपन से जब लाइक like, एक माइंड बनाया हुआ था कि तो शादी करनी है तो घर वालों की मर्जी से तो मेरे अक्सर रिलेटिव जब मम्मी को कहते हैं ना कि कहीं उसको कोई पसंद तो नहीं जो वो शादी नहीं करती तो मैं कहती नहीं वो हमारी मर्जी से करेगी तो मैं घर वालों को कहती बस आप देख लेना आपको पता है मतलब एजुकेटेड होना चाहिए हैंडसम होना चाहिए आपके साथ चले तो अच्छा लगे दैट्स ऑल तो डिफरेंट लोग आते हैं डिफरेंट लोग जाते हैं सीरियस मैंने कभी किसी को नहीं लिया कभी भी नहीं किसी को लिया बल्कि उसमें हाँ ये ज़रूर होता है कि कोई आपको लगे कि हाँ ये बंदा अच्छा है तो आप उसको कह देते हैं हाँ यू कैन टॉक टू माई फैमिली अगर वो अग्री करते हैं तो दैट्स फाइन तो कुछ ऐसे लोग आए जो तो घर तो तक पहुँचे और लेकिन वो फैमिलीज़ के अंडरस्टैंडिंग्स वो सब चीज़ें नहीं हुई तो फिर नहीं हुआ अच्छा पता नहीं लेकिन अगर जो आपने मुझसे सवाल किया है कि जटा बरदरी में सिर्फ मैं स्पेशल हूँ या और भी हुसन है आजकल तो मैं जट बड़े खूबसूरत देखती मैं है, खुद भी हैरान होती हूँ और मुझे मज़े की बात बताऊँ सबसे ज़्यादा जो मज़े का इनबॉक्स आता है ना वो ये आता है कि आप जट नहीं हैं जट इन्हने है, सोने नहीं होते जट कह रहे होते हैं और जब मैं उन लोग के आगे कास्ट पढ़ूँ या कुछ पढ़ूँ तो मैं कहती यार ये जट ही जट को कह रहा है कहते नहीं नहीं जट इतने प्यारे हो ही नहीं सकते तो आप जट नहीं हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कभी कभी अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि मैं जट ही हूँ मतलब फैमिली ओरिएंटेड और मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा तो इन श्ल्ला देखें मैं कब इस चीज़ में आती हूँ जो आप लड़ाई की बात पूछें मैं लोगों से लड़ती नहीं हूँ मैं सिंपल हंस देती हूँ उन पर और मुझे पता है कि देखिए सबसे पहले इंसान को ना ये पता होना चाहिए कि उसका कैलिबर क्या है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं जब आपको ये पता है ना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें आपको फ़र्क नहीं डाल दें कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है कौन आपके पीछे क्या कह रहा है कौन किस क्या कह रहा है जो आपके दोस्त होते हैं वो आपके दोस्त ही होते हैं उन्होंने पता है कि आप क्या हो तो यू डोंट नीड टू जस्टिफाई एनी बडी नए आने वालों को मेरा यही पैगाम है कि आप इस फील्ड में आएँ ज़रूर आएँ लेकिन अपना होमवर्क करके आए मेहनत करके आएँ हम लोगों को सिखाने वाले थे आप शायद इतना टाइम देने वाले लोग ना हों तो आप लोग अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग आपको आदत होनी चाहिए आप अपने सीनियर्स को सुने आप खुद अगर एक आप कुछ अर्सा उर्दू पढ़ के आपको लगता है बहुत अच्छी उर्दू बोल सकते हो तो इट डज़ आप बहुत अच्छे एंकर हो आपको चीज़ों का पता होना चाहिए आपने कैसे किस टैकल करना है क्योंकि आपने लाइन पे भी डिफरेंट लोगों को लेना है आपने रिपोर्टर्स को भी लेना है आपने पी भी सुनना है आपने एम भी सुनना है सो यू नीड एवरीथिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट so चीज़ यू शुड बी प्रजेंटेबल कॉन्टेंट और प्रजेंटेबल अगर इफ़ यू गॉट दिस यू आर अमेजिंग जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कीप लविंग मी थैंक यू सो मच बहुत अदना सा इंसान हूँ लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं आज यहाँ पे हूँ जो लोग मुझसे नफरत या हसद रखते हैं उन लोगों को मैं यही कहूँगी गेट वेल सूम बुरी शरारत वैसे मैं आपको अंदाजा तो हो गया होगा आप लोगों को तो पता ही है मैं कितनी शैतान हूँ लेकिन चलो ऑडियंस को बताती हूँ उसमें बुरी शरारत मैंने लोगों के घरों की बैल बहुत बजाई है बहुत भागी हूँ बैल बजा के नहीं मैं अच्छा मैं मर्दों पे कभी इतना भरोसा नहीं किया मेरी ज़िंदगी में आ, मुझे ना जब मैं घर से निकली थी तो मेरे फादर ने एक चीज़ बोली थी कि मर्द हमेशा आपका दोस्त हो सकता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता मर्द वही होता है जिसके साथ आपका निकाह हो अब वो बात मेरे दिमाग में ऐसा नक्श किया कि आज का दिन के आई एम हैप्पी अलोन आई डोंट नीड to टू सर्वाइव आई need मैंट टू लिव शादी कब तक करनी है वैसे मुश्किल सवाल है मेरे बस में हो तो मैं ज़िंदगी भर ना करूँ बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है बट शादी तो करनी है जब घर वाले कहें वो सुबह कहें तो सुबह कर लेंगे शादी में मुश्किल आपको आ, बेसिकली शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती दो खानदानों की होती है तो आपको सबको खुश रखना पड़ता है कि इसको भी खुश करना है मैंने उसको भी खुश करना है आपका नहीं भी स्माइल करने को दिल ये बेसिकली शादी ऐसे है जैसे आप मॉर्निंग शो में बैठे हुए आपका नहीं भी हंसने को दिल आपने सबको हंसना है और हंसाना है मैसेजेस में पूछते थे, थे और मैं आंसर नहीं कर पाती थी आई होप इस वीडियो में सब क्लियर हो चुका हो थैंक यू बाय